जो मतलब कि बाद में डिस्कशन करना चाहता हूँ वो उसके बाद में डिस्कस करें सुझाव जो है बता सकते हैं तो क्योंकि हमारे एजेंडे में जो भी हमारी चार डिमांड्स है ना तो मुझे लगता है कि चार डिमांड्स में सबके हित में है ठीक है आपने पढ़ी भी है दो तीन लोगों ने पढ़ी भी है ठीक है इसमें थोड़ी एडिटिंग होनी है इसमें थोड़ा एडिशन होना थोड़ा सा कि तृणमूल परिवारों के लिए बजट में प्रावधान ये एडिशन करेंगे फिर उसके बाद फाइनल एडिशन करेंगे वन टाइम इलेक्शन की मत कि तृणमूल प्रक्रिया शुरू कर देंगे लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके लिए आप लोगों का साथ जब तक आप लोगों का साथ नहीं हो तब तक कुछ भी शिमला जो है हमारे साथ इस एजेंडे के साथ जो है कम से कम हजारों की संख्या में जो विध परिवार ठीक है विध परिवार हमारे साथ खड़े हुए ठीक है थोड़ा सा ठीक है ठीक है आज जिला ऊना में कर्णामुलक संघ हिमाचल प्रदेश की बैठक जो है आज संपन्न हुई है उसमें समस्त जो जितने भी हमारे 3000 के आसपास समस्त प्रदेश भर में कर्णामुलक परिवार हैं हम काफ़ी टाइम से जो हैं कर्णामुलक नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के हाल ही में मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ हमने भेंट भी की है और उन्होंने हमें जो है इस टाइम एजेंडा बनाने के लिए जो है हरी झंडी दी है कि कर्णामुलक परिवारों के लिए जो है प्रमुख एजेंडा बनाएं ताकि उसको जो है हम एक आने वाले बजट सेशन में जो है उसको डिस्कशन करने के उपरांत जो है इसके ऊपर स्पेशल बजट का प्रावधान कर सके और हम उसी की रूपरेखा को लेकर जो है हम यहाँ पर जिला ऊना में पहुँचे हैं कि समस्त परिवारों को जो काफ़ी टाइम से लंबे समय से काफ़ी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं 15 से 20 सालों से और आज हमने इस मीटिंग के दौरान लगातार मतलब कि समस्त परिवारों से भेंट की डिस्कशन की तो एट लास्ट जो हम एक प्रमुख एजेंडा बनाया हुआ है जैसे कि सरकार ने इस टाइम 2.5 लाख करंटली जो आय सीमा है वो निर्धारित की है कर्णामुलक परिवारों के लिए हम सरकार से डिमांड करने जा रहे हैं कि इस 2.5 लाख की जो डिमांड्स है इसको अपग्रेड करके इसको थोड़ा सा उठाकर जो 5 लाख तक कर दिया जाए ताकि जितने भी कर्णामुलक परिवार हैं ठीक है समस्त परिवारों को एकमुश्त नौकरी मुहैया हो सके और साथ में ही जो एक सेकंड डिमांड है वो जो रिजेक्टेड केसों को लेकर है कि हाल ही में पिछली सरकार ने रिजेक्टेड केसों के लिए एक मतलब नोटिफिकेशन जारी की है हम ये चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन जो है पूर्व सरकार के द्वारा की गई थी उसको रद्द कर दिया जाए और एक रिकंसिडर करने की जो है नोटिफिकेशन जल्द की जाए और सभी परिवारों को एक साथ जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ठीक है इसमें जॉब्स दी जाए क्योंकि इस टाइम 3000 परिवार नौकरी का इंतजार कर रहा है और अगर इनको विभिन्न श्रेणियों में अगर नौकरी मुहैया हो जाती है तो किसी एक विशेष श्रेणी पर किसी एक विशेष पद पर जो है बोझ नहीं पड़ेगा और सभी परिवार जो है एक मुस्त वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो है हो जाएंगे।